Praise the name of the Lord, hallelujah. Praise the name of the Lord, hallelujah. Praise the name of the Lord, hallelujah. Sing with me His glory, hallelujah. Worship the Lord with me, hallelujah worship the lord with me hallelujah sing his glory and praise hallelujah <coughs> hallelujah 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 <coughs> hmm. मेल का पैगाम तेरे लहू में सब चैनार तेरे लहू से बने बिगड़े काम तेरे बिगड़े काम खुद को लहू में डबोता हूँ खुद को लहू में डबोता हूँ तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ तू बढ़ता जा तू बढ़ता जा तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ हाल ब्लेस योर नेम किंग ऑफ ग्लोरी Bless your name, King of Glory. <coughs> Hallelujah. <coughs> <coughs> mm. Hallelujah. Mary <coughs> खुदानु <coughs> ए हो दिया गाइए मेरे साथ मेरी जान ए नू ए दे दिया जो मेरी ही नहीं है भले आई तेरे बाजों मेरी ही नहीं है भले आई है वंद मेरे तू एकल कर रखी आ, आ, आ धरती ओते भला लोग जंगे रा जो है धरती ओ भला लोग चंगेरा ओ न दे राजी रेंदा है दिल मेरा ओ राजी है, है दिल में ए खुदा बंद मेरे तू एकल रखवा ਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖਰਾਰ ਹੁਣ ਜੇੜੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਲ ਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖਰਾਰ ਹੁਣ ਜੇੜੇ ਹੋ ਨਾ ਦੇ ਦੁਖ ਸਦਾ ਵਾਦਲਗੇ ਵਥੇ ਰੇ ਐ ਕੋ ਦਾ ਬੰਦ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ ਨਾ ਤਪਾਵਨਿਓ ਦੇ

ਓ oh, ਦਾ nah. ਸੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਪਿਆਲਾ ਜੇੜ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦਤੁ ਰਖਵਾਲਾ ਜੇੜ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦਤੁ खुदा बंद मेरे तू कर रखवाली था है मेणिया वास्ते में रजेड़ा था है मेणिया ग ਸੁਤ ਰਹੇ ਅਨੇਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਖਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸਾ ਤੂੰ Rabwali. Ah. मेरे साथ जैसे हमारा पुरखा राजा दाऊद खुदा के आगे गाता था गुस्से नाम थर्टी ए ते गुस्से नी मैनू है खुदा ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਨ ਸਜਾ ਰਬਾ ਦੇਵੀ ਨ ਸਜਾ ਹੋ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨ ਚਿੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਖੁਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵੀਨਾ ਸਜਾਇਰ ਬੰਦ ਦੇਵੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਲਗਾਕਾਰੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੀ लगाकारी ए मेरे उत्ते हाथ तेरा डाडा बारी ए डाडा बारी ए रबा डाडा बारी ए गुस्से ना चिड़की ਮੈਨੂੰ ਏ ਖੁਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੀ ਨਾ ਸਜ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਨ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੈ कन मेरा बेमार हड्डिया बे ने मैं हाँ गुनेगार हाँ गुनेगार रब्बा मैं हाँ गुनेगार गुस्से न चिड़की ગુસ્સે નાલ ન ચીડકી મેનું એ خدا જોશવે જપને કેર દે દમિન સજાયસુ દમિન સજાયા રब्बा દમિન સજાયા गाइए कन्फेस कीजिए सिर दाल मेरे होए बद गुना सिर दाला मेरे होए बद गुना एडे पारे चक्के चके ना डे पारे ओ चके जान देना चके जान देना रब चंद देना गुस्से न लेना चिड़की गुस्से न लेना चिड़ ऐसे हमारा पुरखा दाऊद खुदावंद के आगे अल्तजाएँ करता था गाता था रोता था और परस्तिश करता था <clears throat> मेरे जख्म हो बदबूदार कमाल मेरे जख्म हो बदबूदार कमाल सड़े बिल्कुल मेरी ਬੇਅਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾ ਬੇਅਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛਿੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਖੁਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਹਿਰ ਦੇ दमीना सजा रब दमीना सजा कुब्बा होके चुक गया मैं रोंदा सुबहो हो शाम कु होके चुक गया मैं रोंदा सुबहो हो शाम पिठ है सर्दी मेरी ਤਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਰਾਮ ਤਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਰਾਮ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਰਾਮ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛਿੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਖੁਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੇਰ ਦੇ ਦਮੀ ਨ ਸਜਾ मैं बेताब हो गया पीठा दिल है रोंद मैं चिल्ला मैं चिल्ला रब मैं चिल्ला गुस्से ना ਚਿੜਕੀ ਚਿੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਨ ਚਿੜਕੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਨ ਚਿੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਖੁਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦਮੀਨ ਸਜਾਰ ਬ ਦਮੀਨ ਸਜਾ ਗਈਏ या रब मेरा शौक है तेरे ही हजूर। या रब मेरा शौक़ है तेरे ही हज़ूर मेरा अरना तो नहीं दूर मेरा पर ने नहीं दूर तिथों नहीं अलग रब्बा तिथों नहीं अलग हम गुसे ना लेना चिढ़की गुसे ना लेना चिढ़की गुसे ना लेना चिढ़की हालेलुयाह लॉड वी ब्लैस यू दिस मॉर्निंग लॉर्ड वी ब्लैस यू लॉड वी ब्लैस यू लॉड वी ब्लैस यू लॉर्ड वी ब्लैस यू हाले लोिया थैंक यू जीज तेरे लव की जय थैंक यू लॉड आज सुबह मैं आपको बहुत ब्रीफली बताना चाहता हूँ न्यू टेस्टामेंट की टेन कमांडमेंट्स ओल्ड टेस्टामेंट की टेन कमांडमेंट्स आप जानते हैं लेकिन आपने न्यू टेस्टामेंट की टेन कमांडमेंट्स पे मनन नहीं किया होगा तो अभी मैं आपको बताता हूँ न्यू टेस्टामेंट में टेन कमेंडमेंट्स क्या है सबसे पहली कमांडमेंट न्यू टेस्टामेंट की हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ये है फर्स्ट एंड द फोर्थ मोस्ट प्रे 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 दुआ करें ये खुदावंद की आज्ञा है खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है परमेश्वर कभी आपको सजेस्ट नहीं करता परमेश्वर कभी आपको मशवरा नहीं देता परमेश्वर आज्ञा देता है परमेश्वर की आज्ञा कभी उसकी ओपिनियन नहीं है उसकी कमेंडमेंट है परमेश्वर की आज्ञा आपकी कंसिडरेशन के लिए नहीं है परमेश्वर की आज्ञा इम्पेरेटिव है यू ओबे एंड यू लिव यू डिस ओबे एंड यू डाई प्रे जीजस जीजस हमारे प्रभु की कमेंडमेंट है प्रे दुआ करें मत्ती छः का ग्यारह पढ़ लीजिए और लू का ग्यारह का तीन पढ़ लीजिए टू दो और तीन और ग्यारह का नौ और और लूक 18 का वन में भी खुदावन कहते हैं मैन ऑट नॉट टू लूज हार्ट बट प्रे पहली आज्ञा है प्रार्थना प्रेयर करें दूसरी आज्ञा प्रभु मसीह की क्या है अपना क्रूस उठाएं डेली डेली क्रॉस ये डेली क्रॉस आपको मालूम क्या है ये डेली क्रॉस है वो जगवेदी जो ब्रेजन ऑल्टर थी पीतल की जगवेदी जिसके ऊपर जानवर को होम बली करके चढ़ाया जाता था ये आपके और मेरे जीवन का डेली का हिस्सा है अप डेली क्रॉस ये यीशु मसीह की सेकंड कमेंडमेंट है लूका नौ का तेईस पढ़ लीजिए लूक नाइन ट्वेंटी थ्री सेकेंड इज टेक अप द डेली क्रॉस खाले व्हाट इज द थर्ड कमैनमेंट ऑफ द लॉर्ड पढ़िए आप लूक टू फोर्टी सिक्स लू का दो का फोर्टी सिक्स कंटिन्यू इन वन कॉड एक मन एक चित होके लवलीन रहे परमेश्वर में हाले चौथी आज्ञा क्या है फोर्थ कमेंडमेंट टीच लोगों को परमेश्वर का कलाम सिखाए हाले फोर्थ कमेंडमेंट इज टीच मैथ्यू ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी फाइव लूक नाइनटीन फोर्टी सेवन वट इज द फोर्थ कमैंडमेंट टीच आई है वट इज द थर्ड कमेन्डमेंट कंटिन्यू इन वन अकॉर्ड लू एक्ट टू फोर्टी सिक्स प्रेरितों के काम दो का छियालीस पांचवी आज्ञा क्या है प्रभु की प्रभु की पांचवी आज्ञा विन सोल्स फॉर माई किंगडम यीशु मसीह कहता मेरे राज्य के लिए रूहों को जीतो प्रभु कहते हैं विन सोल्स फॉर माई किंगडम फिफ्थ कमेंडमेंट एक्ट टू फोर्टी सेवन एक्ट सिक्सटीन फाइव एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स टू फोर्टी सेवन एंड एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स सिक्सटीन फाइव विन सोल्स फॉर माई किंगडम

छठी कमैनमेंट है क्या है छठी कमैंडमेंट प्रीच जीजस गिव अदर्स जीजस एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स 522. ट्वेंटी टू वट इज द सेवंथ कमेंडमेंट सर्च द स्क्रिप्चर्स कलाम को खोजो परमेश्वर के कलाम को ऐसे खोजो जैसे जमीन को खोद खोद के उसकी गहराइयों में जो माइंड डिगर होते हैं जो गोल्ड की सोने की तलाश करते हैं और सोने की माइंस में जमीन की निचली स्टाओं में उतर जाते हैं सोना ढूंढते हुए ऐसे सर्च स्क्रिप्चर्स सेवंथ कमेंडमेंट सर्च स्क्रिप्चर्स एक्ट्स ऑफ द अपोसल सेवनटीन इलेवन प्रेरितों के काम सत्रह का ग्यारह कलाम की खोज करें जैसे कुंदन सोने की हीरे मोती जवाहरातों की खोज की जाती है हुँ। आठवीं आज्ञा है स्क्रिप्ट स्क्रिप्चर को डिस्कस करें एक दूसरे के साथ विश्वासी लोग कलाम की बातें करें सीखें एक दूसरे से एक दूसरे से शेयर करें कलाम अपनी जिंदगी को मशगूल करें खुदा के कलाम में डिस्कस स्क्रिप्चर्स एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स नाइनटीन नाइन एक के काम उन्नीस का नौ डिस्कस स्क्रिप्चर्स और नॉमिक कमांडमेंट क्या है नाइन्थ कैरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियाँ उठाएं, एक दूसरे का बोझ भी उठाएं। सेकेंड क्रेंथियंस इलेवन ट्वेंटी एट सेकेंड क्रिंथियंस इलेवन ट्वेंटी एट कैरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टेंथ कमेंडमेंट क्या है टेंथ कमेनमेंट है एग्जॉट वन अनदर एग्जॉट वन अनदर अनादर टेंट एग्जॉट वन अनदर हीब्रूज थ्री थर्टीन इब्रानियो तीन की तेरा एग्जॉट वन अनदर हाले लुइया खुदावंद तेरा धन्यवाद हो खुदावंद जी आपके नाम की महमा हो हम आपके नाम को सज्जा करते हैं हाल <sniffles> मसीहा से मिलेंगे मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम मसीहा से मिलेंगे मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम महफिल मसीहा की शाम भी मसीहा की ये महफिल सजाने आए हैं हम <coughs> नजर है मसीहा पर फखर है मसीहा पर ईमान मसीहा पर मसीहा तुआ है दुल्हन मुंतजर नजर अफलाक पर नगाड़े को सुनने आए हैं हम गाइये मसीहा से मिलेंगे मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम आए हैं हम आए हैं हम।, है हम।, है हम महफिल मसीहा की शाम भी मसीहा की ये सजाने आए हैं हम आए हैं हाल लुया आइए हम सब मिलके सराफीमों के संग हाल लुया हाल हशेम याहुआ अवीनू मालखीनु हशेम अवून अवोनो हमारा स्वर्गीय पिता अपने सिंहासन पे विराजमान और उसके सन्मुख सराफीम उसकी परस्तिश करते हैं और अब्दो से करवे और वो क्या कहते हैं हम उन सराफीमों के संग बर्रे के खून के द्वारा मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के लहू को लॉर्ड आई डिक्लेयर योर ब्लड ओवर दिस कॉन्ग्रीगेशन दैट इज कनेक्टेड वी इंटरनेट थ्रू लॉर्ड थ्रू द एयरवे वी ऑल आर कनेक्टेड इन डिफरेंट नेशंस राइट नाउ इन कनाडा इंग्लैंड यूएस एंड इवन इन करेबियन आईलैंड इन इंडिया वी आर कनेक्टेड इन डिफरेंट प्लेस लॉर्ड King of glory, King of glory, King of glory. <clears throat> hmm. King of kings and Lord of lords. King of kings and Lord of lords. Hallelujah, Lord! I plead your blood. I plead your blood. Call upon the blood. I call upon the blood. I call upon the blood. Call upon the blood, Lord! I call upon the blood. I call upon the blood, I upon the blood. Lord call upon the blood precious 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 holy blood precious 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 holy holy blood i call upon the holy 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 blood of the lamb call upon the holy 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 blood i call upon the holy 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 blood call upon the holy blood holy blood holy blood we are going to enter into the very sacred chambers of heaven but I want everybody to come back. Please come back. Bosari connect the fai, please. Hallelujah. Oh hallelujah. Lamb on the throne. Lamb on the throne is worthy. Lamb on the throne is exalted. Hallelujah. Holy, holy, holy lamb on the throne. Holy, 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 Lamb on the throne. Holy, 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 Lamb on the throne. Holy Lamb on the throne. Holy and worthy, holy and worthy, holy and worthy. Holy and worthy, holy and worthy, worthy, worthy. worthy. Holy and worthy, hallelujah. होली लैम होली लैम वर्थी 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 हाले मैं वेट कर रहा हूँ सभी वापस आ जाए हाले थैंक यू जीसस थैंक यू किंग ऑफ ग्लोरी 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 थैंक यू किंग ऑफ़ ग्लोरी Thank you, King of Glory. Thank you, King of Glory. Hmm. Hallelujah. Please sabhi aap ko tayar kare. prepare your mind, your heart, and your soul. Prepare, surrender your heart, your mind, and your soul before the Lord God. Hallelujah. Never come before the Lord arrogantly. खुदावन के आगे आए टूटे हुए बिखरे हुए खाली दिल से खाली दिल लेके आए उसके हजूर में हालिया हाउस कहे खुदावन अपने लहू से मुझे धो दे पवित्र खून के चश्मे में मुझे धो दे खुदावन खुदावन जी मेरा मिकवा कीजिए अपने खून का मकवा कीजिए लॉर्ड आई प्रे फॉर द मिकवा इन द ब्लड मिकवा इन द प्रेशस वाटर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ गॉड हालेलुया लॉर्ड मिकवा इन द प्रेशस ब्लड मिकवा इन द प्रेस ब्लड ऑफ याशा हा मश्याक लॉर्ड मिकवा इन द प्रेशस वर्ल्ड ऑफ गॉड लॉर्ड मिकवा इन द प्रेशस नेम ऑफ याशा हा मश्याक

टोली के संग परस्तिश करना चाहता हूँ परस्तिश करना चाहता हूँ इबादत करना चाहता हूँ हालेलुया सराफीम यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के आगे इटर्निटी से कर रहे हैं पर लोडरी केवल एक बात कहते हैं होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑल लेकिन वो हिब्रू में कहते हैं कहिए है मेरे संग खदूश Kadush, Kadush Hashem Yahua Sabayo Kadush, Kaddush Kadush Hashem Yahua Sabayo Kadush, Kadush, Kadush Hashem Yahua Sabayo. Kadush, Kadush, Kadush. Hashem Yahuwah Kadush, Kadush, Kadush. Hashem Yahuwah Sabayo. Kadush, Kadush, Kadush. Hashem Yahuwah Let's join the Seraphim and let's worship Him. Kadush, Kadush, Kadush.

Kadush, Kadush, Kadush. Hashem, Yahua Sabayo. 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 Kadush, Kadush, Kadush.

Hashem Yahuasabhayo. Kadush Kadush Kadush. Hashem Yahua Kadush Kadush Kadush. Hashem Yahua Say after me, worship him. Kadush, Kadush, Kadush. Hashem Yahuas Kadush Kadush Kadush. Hashem Yahua Sabhayo. Kadush, Kadush, Kadush. Hashem, Yahua Sabayoh. 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 Kadush, Kadush, Kadush. Hashem Yahuwah Sabayo, Kadush, 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 Hashem Yahuwah Sabayo, Kadush, 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 Hashem Yahuwah Sabayo, Kadush, Kadush, Hashem Yahuwah Sabayo, Kadush, 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 hashem yahua sabaoth kaddush kaddush Kadush, hashem yahua Sabayo, kaddush kaddush Kadush, hashem yahua sabayo kaddush Kadush Kadush, hashem yahua sabayo, hashem yahua sabaoth kaddush Kadush Kadush, hashem yahua sabayo. Kadushadushadush. Hashem Yahuwa Sabayo. Kadush Kadush <laughs> Kadush. Hashem Yahuasabayo. Kadush Kadush. Hashem Yahuasabayo. Kadush Kadush Kadush. Hashem Yash. Hashem Yahuwa Sabayo. Kadush Kadush Kadush. Hashem Yahuasabayo. Kadosh, Kadosh, Hashem Yahuwah Sabaoth. Kaddush Kadosh, Kadosh, Hashem. Kadosh, Kadosh, Hashem Yahuwah Sabaoth. Kaddush Kadosh, Kadosh, Hashem Yahuwah Sabaoth. Kadosh, Kadosh, Hashem Yahuwah Sabaoth. Kadush, Kadush, Kadush. Hashem, Yahuwah Sabayo. 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 Kadush, Kadush, Kadush. Hashem, Yahuwah Sabayo.

קדוש 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 השם יהוא הסבאיו קדוש 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 השם יהוא הסבאיו קדוש 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 השם יהוא הסבאיו קדוש 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 Kaddush, 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 Hashem, Yahuwah Sabaoth. Kaddush, Kaddush, Kadosh, kadush, kadush, Hashem, Yahuwah Sabaoth. Kaddush, Hashem, Yahuwah Hashem, Yahuwah hashem yahweh sabbayoh kadush 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 hashem 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 yahweh, hashem yahweh. Hashem Yahu Asabidayo. Hashem Yahu Asabidayo. Hashem Yahu Asabidayo. Hashem Yahu sabayo Kadush kadush kadush. Hashem Yahu ha-sabayo. Kadush kadush kadush. Hashem Yahu sabayo Kadush kadush kadush. Hashem Yahuwah Sabaio Kadush 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 Hashem Yahuwah Sabaio Kadush Kadush Kadush

Kaddush, Kaddush, Kaddush. Hashem Yahuwah Sabaoth. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hashem Yahuwah Kadush Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hashem Yahuwah Kadush Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hashem Yahuwah Kadush Kadosh, Kadosh, Kadosh ayoh kadush 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 hashem yahweh sabah 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 ayoh kadush 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 हशैम या हुआ सब आयो कदूश 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 हशम या हुआ आप में से जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ आपको छूए इसी समय जो भी आप आ, किसी तरह की बीमारी आपकी 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 बॉडी में मेरी और ध्यान दीजिए सभी इफ यू आर सिक एंड यू नीड हीलिंग फ्रॉम द लॉर्ड तो मैं चाहता हूँ अपने घुटने टेकि हरे लोहिया अपने घुटने टेकि अपने हाथ उठाइए मेरे संग संग अपना मुंह खोल के बोलिए मेरे संग संग बोलिए खदुस खुदूश खदुष हशेम या हुआ राफा बोले खदुस कदुष खदूश हशम याहुआ रफा कदुश 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 हशम याहुआ राफा कदुश 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 हशम याहुआ राफा अपनी बीमारी की जगह पे अपना हाथ रखें कदुश 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 हशेम याहुआ राफा kadosh 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 hashem yahua zafa kadosh 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 hashem yahua rafa 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 kadoosh Kadush, kadoosh hashem yahua rafa Kadush Kadush, kadoosh hashem yahua rafa kadoosh Kadush, kadoosh hashem yahua rafa Kadush, kadoosh hashem yahua rafa Kadosh, 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 Hashem Yahuwah Rapha. 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh hashem yahua rafa. kadoosh kadoosh kadoosh. 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 hashem. Yahua Rafa Kadush, Kadush, Kadush Hashem, Yahua Rafa Kadush, Kadush, Kadush Hashem, Yahua Rafa Kadush, Kadush, Kadush Hashem, Yahua Rafa Kadush, Kadush, Hashem, Yahua Rafa Kadush Kadosh, kadosh. Hashem Yahweh Rafa. Kadosh, kadosh, kadosh. Hashem Yahweh Rafa. Kadosh, kadosh, kadosh. Hashem Yahweh Rafa. Kadosh, kadosh, kadosh. Hashem Yahuarapha. Rafa. Hashem Yahweh Rafa. is his covenant name. Hashem Yahu Rafa is the healer. He is the healer. He said, "I am the Lord your God. I am Hashem Yahu Rafa, your healer." Hmm. Kadush, kadush, Hashem Yahu Rafa. Alleluia. मेरे संग संग कहें कदुश 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 हशम याहुआ राफा याहूशाह कहे मेरे संग कदूश कदूश कदुशुआ राफा कदूश 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 हशेम याहुआ राफा याहूशाह हमश्याक Kadush, Kadush, Kadush. Hashem Yahuwah Rapha, Yahusha HaMashiach. Kadush, Kadush, Kadush. Hashem Yahuwah Rapha, Yahusha HaMashiach. Kadush, Kadush, Kadush. Hashem Yahuwah Rapha, Yahusha HaMashiach. Oh, hallelujah. I can sense the healing presence. Healing presence is coming. This is healing and winning. This is like precious ointment. This is the balm of Gilead. It heals the organs in the body. It repairs the DNA. <coughs> Hallelujah. Thank you, Jesus. It repairs the DNA. It cleanses the bloodstream. It flows through the bone and bone marrow. Precious ointment, Lord God pour from heaven. Pour for pour from heaven over your people, Lord. Hallelujah. आप में से कौन-कौन बीमार हैं? Please indicate अपनी चंगाई के लिए, किसी और की चंगाई के लिए अभी message कीजिए मुझे, please quickly. Hallelujah. Quickly. Write a message. Hallelujah. Lord, thank you for healing me. Thank you for healing my heart. Thank you for healing my lungs. Thank you for healing my kidneys. Thank you for healing my intestines. Thank you for healing my liver. Thank you for healing my brain. Thank you for healing all the organs in my body. Thank you for healing my DNA. Yahushua HaMashiach. Thank you for healing my RNA. Thank you for healing my bones and the bone marrow. Thank you for healing every kind of chemical composition in my body. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. If you prayer, type Oh, hallelujah! Sacred oil is being poured out. पवित्र तेल उंडेला जा रहा है ये हशेम या हुआ हमारे अवीनु मालखीनों की प्रेजेंस को ऑयल है हाले लोया लॉर्ड लेट दिस ऑयल फ्लो ओवर ललित मेरा यो हीलिंग ऑयल लॉर्ड आई इन्वोक योर नेम ओवर ललित मेहरा स्टमक इंटेस्टिन्स, लिवर लंग्स Heal him now, Yahusha Amishya. Heal him now. Now. Let the blood flow over Lalit Mehra. Let the precious blood flow over Krishan Kumar. Heal his jaundice. Heal his liver. Heal his whole body, Lord. Yahusha Amishya. Hashem Yahuwah. Hashem Yahuwah Rafa. heal Tanuja tanujasad and her husband heal their bodies heal yahusa hamasia let healing flow let healing anointing flow like a areva hashem Rafa. let healing flow over Ruby sanghera's household hashem Rafa. let healing flow over sahil and his parents healing flow healing anointing flow Let healing flow over Minu Sood and her husband. Heal their sick bodies, Lord Yahusha Hamashya. Heal them, heal them, Lord. Heal Auntie Kusum, and her eyes, eyesight. Let the healing flow over Auntie Kusum. Let healing flow over the family of Ravi Prakash Gupta. Lord, let healing flow over Pushparani in the name of Jesus. Let healing flow over Isaiah and Komal. Let healing flow over Isaiah and Komal. Let healing flow over Isaiah and Komal. Hashem Yahweh Rafa. I invoke your name. Hashem Yahweh Rafa. Let healing flow over Hardeep Singh. Over Hardeep Singh. Hashem Yahweh Rafa. Let healing flow over Malkiyat Gil's family. Healing flow. प्रेयर रिक्वेस्ट लिखें अगर आपको हीलिंग चाहिए लॉर्ड लेट हीलिंग फ्लो ओवर पिंकी हील पिंकी लॉर्ड लेट हीलिंग ओवर पिंकी हशेम याहुआ राफा पिंकी नाओ। हशेम याहुआ राफा पिंकी। याहुशाह मशियाक। आई स्पीक हीलिंग फ्रॉम डायबिटीज ओवर विनीता चोपड़ास हसबेंड विनीता चोपड़ास हसबेंड हशेम याहुआ राफा Hashem, Yahuwah, Rafa, let healing flow over her husband, even now. Lord, let healing flow over Mr. Kakkar and his family. Heal Mr. Kakkar's body. Touch him supernaturally, Lord. Hashem, Yahuwah, Rafa. Hashem, Yahu Rafa. I pray for Sabi Sujit. Lord, let your healing presence flow in his household. Hashem, Yahu Rafa. Hashem, Yahu Rafa. हालेलुया आपके जीवन में कोई और जरूरत है बिसाइड हीलिंग किसी और चीज की जरूरत है आपको परमेश्वर से आप मांग दे हैं हालेलुया वो भी आप प्रेयर मेंशन कर सकते हैं हालेलुया लुइया हो हाले लुइया किंग ऑफ ग्लोरी जीसस मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए मेरे संग संग कहे हाल लॉर्ड वी प्रे फॉर गुडविन सिंह लॉर्ड आई ब्लेस गुडविन सिंह टच गुडविन सिंह लॉर्ड इन डेली हिज बॉडी हशेम या हुआ राफा हशैम या हुआ राफा पोर आउट हीलिंग ओवर गुडविन pour out healing over goodwin yahusha hamashiach by your stripes goodwin is healed i pray for jasweer gil lord hashem yahua rafa hashem yahua rafa touch jasweer gil and his book just touch jasweer Gill heal his body hashem yahua rafa hashem yahua rafa touch mahesh Kumar Touch Mahesh Kumar's wife and their household. Draw Mahesh Kumar at the foot of the cross. Monica Sabarwal, Lord, I pray and for her for her son, Lord, heal autism. Hashem Yahuwah Rafa. Hashem Yahuwah Rafa. Hallelujah. Bless brother Lalit with wisdom. Bless brother Raman with your presence and his wife Reena and their family. With your divine presence, Lord. Lord, I pray for Ruby Sanghera's sister, Hashem Yahuwah Rafa. stretch forth your hand over the heart, Lord. Grant wisdom and understanding and knowledge to Viminusud, Lord. Thank you, Jesus. Lord, मैं प्रार्थना करता हूं अगर आपको कोई और जरूरत है मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं हाले कदूश 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 हशम हुआ जाहिर कदूश 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 हशम या हुआ जाहिरा कदूश 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 हशम याहुआरा हुआ का कदूश कदूश कदूश

We bless you, Yahusha. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. We praise your name, praise your name, praise your name, praise your name, praise your name. Lord, these people's prayer requests, Malkiyat girls for spiritual growth and for the Nujasat, greater breakthrough. Father, I pray that the business of the husband will explode in the mighty name of Jesus. Lord He will get many new openings in his business. Many new breakthrough. And Silver, our son will get the job. Lord. On twentieth is his interview. In N C E R T. He will get the job, Lord, by the power of your spirit. Hallelujah.

lord, even emmanuel singh and his household we bring before you, lord. hallelujah. lord, bless pushpa with the child. open a womb, lord. let infertility become fertility. barren womb, i rebuke you. let her womb become fruitful. Lord, bring Ratan Prakash and his household before you. Bless Ratan Prakash and his family, and his son, and his daughter-in-law. Hmm. Hallelujah. You Lord bless your name, hallelujah. Lord, I love you, love you, love you, love you, Lord, hallelujah. Lord, also for Vinita Chopra's prayer request, Lord, for their business and all concerns, plead your blood. Hallelujah 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 Lord open doors of breakthrough for Lalit Mehra's business let Lalit Mehra's business grow exponentially, Yahusha HaMashiach. He's a sower. He is a sower, Lord. He wants to sow. He always sows in your kingdom. He sows for the poor, the orphans. He sows in the gospel, Lord. You always reward sowers. Those who sow generously, they are your partners. And you have a very special favor over them not that money can buy your blessing but lord people who have a heart for others people who have heart for your kingdom people who think about your kingdom always people who think about others they always keep on sowing they don't love the wealth and lord i thank you for his heart लॉर्ड आई नो इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू गिव एम मैनी मोर बिजनेसेस वेन दे वुड भी रिसेशन एंड दे वुड बी फाइनेंशियल क्रंच फॉर अदर्स योर पीपल विल थ्राइव खुदावत जब अकाल पड़ेगा तंगी आएगी तेरे लोग बरकत पाएंगे लेकिन वो लोग पाएंगे जो बोते हैं देर वॉज फैमिन इन द लैंड Isaac could have done what his father did. When famine came, Abraham slipped down to Egypt. And Bible says there were wells that Abraham dug. He dug 7 wells. And the Palestinians filled the well with dirt. Abraham could have diligently dug up the wells again. एंड ही कोड है लैंड एन ही कोड है प्लान्ट सीट बट ही चोज ए सेफर राउट ही स्लिप डाउन टू इजिप्ट इब्राहम हमारा पुरखा जब अकाल पड़ा तो वह मिसर चला गया जबकि उसने सात कुएँ खोदे थे फिलिश्तीन उन्हें भर दिया था हमारा पुरखा उन्हें दोबारा साफ करके पानी निकाल सकता था और बीज बो सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया वो मिस्र में चला गया और मिस्र में गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा मिस्र से एक औरत को ले आया कंक्यूबाइन हेगर और हेगर उसके जीवन में आने के बाद सारा ने जेनेसिस चैप्टर 16 में अपने पति को मजबूर किया औलाद पैदा करने के लिए और उसने औलाद पैदा की और देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए वो लोग अगर इब्राहम फैमिन में बोता ही होवा पर विश्वास रखे तो उसे मिस्र जाना ना पड़ता कई बार सीड ना बोने के कारण हम कई प्रॉब्लम में फंसते हैं मैंने कुछ लोगों को देखा कुछ बिज़नेस मैन थे वो प्रभु के लिए बोते नहीं थे उनका बिजनेस बहुत स्लोली स्लोली ख़त्म होता होता ख़त्म हो गया जो कुछ उनके पास पैसा था उन्होंने दूसरे काम में लगा दिया मैंने उनको रोका मैंने उन्हें बोला कि ये काम मत कीजिए तो मैं नाम नहीं उनका बताऊंगा, चंडीगढ़ का वाक्य है तो वो व्यक्ति मुझे जब मैंने उन्हें समझाया वचन से यू डोंट डू इट गॉड इज़ टेलिंग मी तो वो व्यक्ति मुझे अपने बेडरूम में ले जाकर मुझे झाड़ने लगा ब्रदर आपको तो हमें सिखाना चाहिए कि हम कैसे ग्रो करें कैसे ब्रांच आउट करें कैसे हम और फलवंत हो आप क्या बता रहे हो हमें आप तो हमें डिस्करेज कर रहे हो मैं चुप कर गया मैंने बोला ठीक है भाई जैसा आप भला समझे भाई और बहनों उसके छः महीने के बाद वो बैंक लोन के अंदर फंस गए साठ सत्तर लाख का लोन था फंस गए और वो बंदा भागता फिर रहा था फिर वो हमारे इलाके में आ गया फिर रोने लगे वो हस्बैंड वाइफ फिर मैंने उपवास रख के प्रार्थना की परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि बैंक के अंदर ही बैंक वालों के डॉक्यूमेंट कुछ गलत निकले और वो बच गए लेकिन उनका सब कुछ चला गया बोते नहीं प्रभु के लिए लोग परमेश्वर कहता है यू रॉब मी तुम मुझे ठगते हो रॉब का मतलब तुम चोरी करते हो रॉब आपको मालूम बाइबल में तीन शब्द हैं परमेश्वर कहता है यू आर रॉबर्स यू रॉब मी जो टाइज नहीं देते हैं लोगों की बड़ी स्ट्रेंज फिलासफी हैं टाइद तो ओल्ड कवरेंट का है ये टाइद के ऊपर भाई और बहनों आई हैव लाइक फाइव आवर्स टीचिंग इट विल ओपन योर आईज दशमांश एक सेक्रेड चीज है टाइद इज होली यू अंडरस्टैंड टाइद इज सेक्रेड टाइद इज योर फाइनेंशियल कवरेंट विद गॉड और आपको मालूम बाइबल में यीशु मसीह क्या कहते हैं हुँ? एक बात यीशु मसीह करते हैं यीशु मसीह कहते हैं चोर और डाकू जो मुझसे पहले आए बात करता है ठग की हुँ? तीन है ये चोर चोरी करने आता घात करने आता है और नाश करने आता है फिर यीशु मसीह बात करते हैं चोर डाकुओं की यीशु मसीह बात करते हैं। अब आपको मालूम चोर में फर्क क्या होता है कभी आपने मनन किया इसके ऊपर चोर में डाकू में और ठग में क्या फर्क होता है सुने अब ध्यान से चोर हमेशा चोरी करने आएगा जब आप सो रहे होंगे चोर कभी भी आपको अलर्ट करके चोरी नहीं करेगा वचन में लिखा है प्रभु ने ये पैराबल सिखाया कि किसान ने भूमि में हल जोता और अच्छा बीज डाला भूमि में और किसान सो गया जब रात हुई तो दुश्मन आया किस समय आया दुश्मन रात के समय चोर आया चोरी करने घात करने नाश करने आता है उसने जंगली बीज बो दिया तो जब वो पनपा बीज दोनों तरह का बीज पनपेगा भाई और बहनों जो पवित्र सीड है वो भी पनपेगा और जो शतानी बीज है वो भी पनपेगा ये जमीन दोनों तरह के बीज को उगाती है पाप के कारण आदम के पाप के कारण जंगली जड़ी बूटियाँ ऊट कटार भी पैदा करती है जंगली जड़ी बूटियां ऊट कटार कांटे ये शराप हैं ये लानत है बहुत सारे लोगों के जीवन में जंगली जड़ी बूटियाँ कांटे ऊट कटार पैदा होते हैं अच्छी फसल नहीं पैदा होती जनरेशनल कर्ज के नीचे लोग होते उनके पुरखों के शराप के नीचे समझ रहे हैं आप मेरी बात तो चोर रात को काम करता है चोरी करके भाग जाता है लेकिन डाकू जो होता है डेकॉट्स वो क्या करते हैं डाकू रात को नहीं आते डाकू आपके घर में घुसेंगे आप सारे लोगों को बांधेंगे और बंदूक की नोक पे अगर आपके घर में तिजोरी है उसका पासवर्ड है वो भी आपसे लेंगे आपकी तिजोरी खोलेंगे सोना चांदी हीरे मोती पैसा दौलत सब निकालेंगे कीमती चीजें सब लूटेंगे आपकी आंखों के सामने समझ रहे हैं आप वो होते रॉबर्स डाकू एक तीसरी कैटेगरी है वो है ठग परमेश्वर यहूदियों को ठग कहता है चोर डाकू नहीं कहता तुम मुझे ठगते हो ठग मालूम कौन है चोर रात को करेगा चोरी जब आप सो रहे हो डाकू आपको आके बांध देगा लूट लेगा ठग क्या होता ठग बहुत अजीब चीज है सुने ध्यान ठग वो है जो आपकी आंखों के आगे है आपके घर में है आपका मित्र है आपको जानता है वो आपको ऐसे बातों में भरमाता है वो आपको ठग रहा है लेकिन आपको पता नहीं लग समझ रहा समझ रहे मेरी बात वो आपको ठगता जा रहा है लेकिन आपको पता नहीं लग रहा एक एक स्पेल कास्ट किया उसने आपके ऊपर एक ऐसी स्पिरिट भेजी आपके ऊपर आपको अंदर अंदर एहसास हो रहा है यार ये बंदा मुझे लूट रहा है लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे ठग आपको ऐसे ठगेगा आपको एहसास भी नहीं होने पाएगा परमेश्वर कहता है तुम मुझको ठगते हो समझ रहे हो अगर हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार फाइनेंशियल इंटेग्रिटी में चले खुदावंद के संग हमें कभी किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होगी ये वायदा है परमेश्वर का फाइनेंशियली प्रॉस्पर करेंगे हम हमारी आने वाली पीढ़ियों के संग वाचा होगी आपको मालूम ताइद परमेश्वर की फाइनेंशियल वाचा था परमेश्वर हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है परमेश्वर हमारा फाइनेंशियल रीस सोर्स है री सोर्स नहीं है सोर्स है तो जब तक हम फाइनेंशियल इंटेग्रिटी में प्रभु के संग चलते हैं हमारे ऊपर फाइनेंशियल ब्लेसिंग फ्लो करती है सुने ध्यान से जब आप सेक्सुअल प्योरिटी में चलते हो आपकी सेक्स लाइफ प्योर है तो आपकी औलाद के ऊपर बरकत बनी रहती है आपकी सेक्सुअल लाइफ का कनेक्शन है आपकी प्रोजनी के साथ आपके बच्चों के साथ आपके बेटे बेटियों के साथ तो आपकी औलाद के ऊपर प्योरिटी होलीनेस की ब्लेसिंग बनी रहती है जब आप स्पिरिचुअली परमेश्वर के संग कवनट में चलते हैं आपके ऊपर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग बनी रहती है जब आप एक दूसरे के संग हम जब एक दूसरे को हम दूसरे लोगों को यू नो कई बार मसीह लोग दूसरे लोगों को गार्बेज की तरह ट्रीट करते हैं परमेश्वर कल मुझे परमेश्वर कह रहा है कल मुझे आवाज आई परमेश्वर ने कहा आई एम लुकिंग एट पीपल एंड आई एम वेइंग आई एम वेइंग देम इन द स्केल्स मैं लोगों को देख रहा हूँ और तराजू में तोड़ रहा हूं मैं ये देख रहा हूं कि वो दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं लोग मसीह लोग दूसरों को ट्रीट करते हैं विद कंटेम्प्ट विद रिप्रोच तुच्छ जानते हैं एक दूसरे के संग हम क्या आपको मालूम मेरे से बहुत सारे लोगों ने पैसा लिया और लौटाया नहीं मसीहों ने पास्टरों ने दे बार फ्रॉम मी दे never गेव मी बैक सो मैनी पीपल चीटेड मी financially. तो मैं पुलिस का सहारा ले सकता था कोर्ट का सहारा ले सकता था मैंने नहीं लिया आई नेवर आई the हैंड्स ऑफ द जज ऑफ द यूनिवर्स मैं आज भी प्रार्थना कर रहा हूँ बिकॉज आई बिलीव इन द जुडिशल सिस्टम ऑफ हेवन तो जब आप न्याय नहीं करते हो एक दूसरे के प्रति आप माइनर प्रॉफिट पढ़ें एमस जो माइका नहूम इनकी किताबों में परमेश्वर इसराइलियों को कह रहा हाय तुम्हारे ऊपर तुम एक दूसरे के संग अन्याय करते हो एक दूसरे को लूटते हो ठगते हो तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी नहीं है तुम्हारे अंदर जस्टिस नहीं है तुम्हारे अंदर न्याय नहीं है तो मॉरली और एथिकली आपका कवलेंट नहीं है यहोवा के साथ अगर आप मॉरल मॉरली एथिकली परमेश्वर के संग अपराइटनेस में चलेंगे आपके ऊपर आशीष बनी रहेगी हमारे जीवन की अलग अलग डिमेंशन है स्पिरिचुअल डिमेंशन अलग है मसीह लोग हिपोक्रेट पता क्यों होते हैं वो स्पिरिचुअल डिमेंशन में सही चलेंगे पकड़ के खंजरी जोर जोर से चर्च में बजा, बजाएंगे कूदेंगे नाचेंगे गाएंगे साज बड़े बजाएंगे लेकिन अपनी मॉरल लाइफ में ठीक नहीं है फाइनेंशियल लाइफ में ठीक नहीं है सोशल लाइफ में ठीक नहीं तो क्या फायदा भाई तब परमेश्वर कहता है कि ये होंठों से मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं पर इनका दिल मुझसे दूर है ये व्यर्थ में मेरी उपासना कर भाई और बहनों चर्च के अंदर जो स्पिरिचुअल लाइफ आप एंजॉय करते हो ना एंजल की तरह दिखाई देते हो चर्च में हाथ तो उठा उठा के अन्य अन्य भाषा बोलते हो लगता है जैसे आप एंजल हो वो जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है वो जो आपके अंदर रूहानी पवित्र आत्मा का डिपॉजिट है उसको आप लेके आइए अपनी सोशल लाइफ में वो दरिया बहना चाहिए जहाँ आप काम करते हो वो दरिया बहना चाहिए जहाँ आप बिज़नेस करते हो उसके अंदर वो वैल्यू चाहिए समझ रहे हैं वो बहना चाहिए आपके पड़ोस में आपके नेबरहुड के अंदर वो बहना चाहिए आपके व्यवहार में जो रूहानी जीवन चर्च के अंदर इतवार को संडे को लोग दिखाते हैं वो रूहानी जीवन लोग मंडे से लेके सैटरडे तक अपनी वर्क प्लेस पर नहीं लेके जाते जहाँ वो जॉब करते हैं अपने बिजनेस के अंदर वो वैल्यू नहीं लगाते जहाँ पर वो कारोबार करते हैं अपनी सोशल लाइफ में नहीं लेके जाते एक दूसरे के संग जहाँ उनका इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के संग रिलेशनशिप होता है तो ये क्या फ़ायदा है ऐसे जीवन का माई वो इन एवरी फासट ऑफ माई लाइफ ये एक डिस्कनेक्ट है में बहुत बड़ा संडे को तो बहुत ज़बरदस्त शो करते हैं स्पिरिचुअलिटी का लेकिन मंडे टू सैटरडे वो जो रूहानी उनके अंदर अभिषेक है वो उनके जीवन में बहता नहीं है वो अपने बिजनेस में ठगी करते हैं झूठ बोलते हैं वो जहाँ पे नौकरी करते हैं वहाँ पे चीट करते हैं वो दूसरे का उधार लेके लौटाते नहीं हैं वो एक दूसरे को आदर सम्मान से ट्रीट नहीं करते हैं तो यही तो इस रैलियों के पाप थे जिनकी वजह से उनके ऊपर सजा आई आपको मालूम परमेश्वर ने मूसा को उस पवित्र पहाड़ के ऊपर अपनी विधियां और अपने हुक्म खुद लिख के दिए अपनी उंगली से सफायर स्टोन पे कीमती पत्थर था वो सफायर हीरे से भी कीमती जिसके ऊपर अपनी उंगली से जो ने लिख के दिए दस नियम और वो दस नियम जो है ना वो एक छोटे से कागज़ के पीस पे आ सकते हैं अगर लिखने हो तो तो भी यहोवा ने दो तख्तियों पे लिख के दिए यहोवा परमेश्वर चाहते तो एक ही तख्ती पे लिख के दे सकते थे दो पे क्यों लिखा उनका ध्यान से अध्ययन कीजिएगा जो एक टैबलेट है एक तख्ती है उसके अंदर जो नियम है वो ये बताते हैं कि परमेश्वर से आपका रिश्ता कैसे हो परमेश्वर ने लिख के दिया कि मेरे सामने कैसे चलना है तुमने मेरे संग कैसे संबंध बनाना है वो नियम है पहली तख्ती पे पहली जो टैबलेट है वो बताती है परमेश्वर से रिश्ता कैसा हो दूसरी टैबलेट जो है तख्ती है वो ये बताती है छः से लेकर दस नियम ये बताते हैं कि हमारा एक दूसरे के संग रिश्ता कैसा हो अब अगर ध्यान से पढ़ेंगे पहले चार नियम बता पहले तीन नियम बताते हैं परमेश्वर के विषय में चौथा नियम बताता है शब्द के विषय में रेस्ट हाल और पाँचवा नियम क्या कह रहा है ऑनर दाई फादर एंड मदर अपने माता और पिता का आदर कर पहली तख्ती पे जो तख्ती यहोवा परमेश्वर के लिए है जो तख्ती ये बताती है यहोवा से आपका रिश्ता कैसा हो उसी तख्ती में टैबलेट में यहोवा ने माता और पिता को जगह दे दी है अपने नीचे बिल्कुल बहुत से मसीहों की सबसे बड़ी शराब तो ये है अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते ये वेस्ट से गोरों से सीख लिया आपने कि बूढ़े माँ बाप को फेंक दो ओल्ड एज होम में ये बाइबल नहीं है ये गलत तर्जुमा किया गोरों ने समझ रहे हो आप जिनको आप अपना गुरु समझते हो उनको नहीं मालूम कलाम ये मत सोचिए उन्होंने गलत अनुवाद किया प्रभु ने जो कहा प्रभु ने कहा अदन के भाग में इस लिए फॉर दिस रीज़न मैन विल लीव हिज फादर एंड मदर शैल क्लीव एन टू हिज वाइफ परमेश्वर ने कहा मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी से मिला रहेगा वहां पे प्रिंसिपल है लीव एंड क्लीव माता पिता को छोड़ेगा पत्नी से मिला रहेगा लीव का मतलब छोड़ देना क्लीव का मतलब चिपक जाना माँ बाप को छोड़ा बीवी से चिपक गया लेकिन ध्यान से पढ़े उन्होंने सोचा कि अब जब शादी हो गई तो लड़का अपनी बीवी को लेके कर माँ बाप को बाय बाय कर दिया उसने यही प्रॉब्लम थी यहूदियों की भी उन्होंने इस कलाम को तोड़ा अब आप ध्यान से देखें इब्राहिम हमारे बाप ने जब अपने बेटे इसहाक की शादी की तो क्या इसहाक अपने बाप को क्या इसहाक ने अपने बाप को बोला घर से आप निकल जाइए इब्राहिम और सारा बूढ़े हो गए हो अब हम रहेंगे घर में आप ओल्ड एज होम में जाके रहिए कहा या इस हाक ने यकूब को इसराइली परिवार जो हैं वो ऐसे नहीं थे वचन पढ़ के देखे न्यूक्लियस फैमिली नहीं थे लेकिन इसराइल ने भी इस वचन का दुरुपयोग किया कैसे किया मैं बताता हूँ मत्ती रची सुमाचार में पढ़ना आप पांच अध्याय में यीशु मसीह क्या कहते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने सुना है मैंने आपको बताया तुमने सुना और मैं कहता हूँ तुमने सुना और मैं कहता हूँ नौ बार कहा ये जो तुमने सुना है ये यहूदियों का औरल लॉ है रिबिनिकल लॉ ये यहोवा का नियम नहीं है वो अपने कानून मानते थे आप भी तो यही करते हो मैं तो मैथडिस्ट हूँ मैं तो सी एन आई हूँ मैं तो बैप्टिस्ट हूँ मैं तो फलाना बैप्टिस्ट हूँ ये तो मेरे बिशप ये फलाना ये डिमका ये मेरा ये मेरा अरे भैया तो यशु मसीह का है बैप्टिस्ट का नहीं है तेरे लिए बैप्टिट ने खून नहीं बहाया तेरे लिए सी एन आई ने खून नहीं बहाया तेरे लिए मैथडिस ने खून नहीं बहाया ये तो बाद में बंदों ने बनाई है तो यीशु मसीह का है उसकी और लौट तेरी पहचान सीएनआई, मैथडि रोमन कैथलिक पेंटिकॉस्टल नहीं है तेरी पहचान है यीशु मसीह का खून सुन रहे हैं ना मेरी बात जरा कान खोल के सुन लीजिए तो वो क्या करते थे एक यहूदी जवान लड़का खूबसूरत बीवी को घर में लेके आता है उसका उसकी माँ बूढ़ी है उसको देखभाल की ज़रूरत है उसका बाप खांसता रहता है उसकी जवान बीवी नहीं चाहती कि वो उस घर में रहें वो प्राइवेसी चाहते हैं और घर में झगड़ा होता है ओबियसली तो वो लड़का क्या करता है वो यहूदी लड़का यहूदी लोगों की सिनेगॉग में जाता है रब्बियों के पास जाता है तो रब्बी उसको एक लेटर लिख के देते हैं उस लेटर का नाम होता है क़रबान सुने ध्यान से क़रबान का मतलब क्या है वो लड़का रब्बियों से बोलता है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है मेरे माँ बाप बूढ़े हैं तो रब्बी उसे कहते हैं तेरे माँ बाप के लिए कलाम में लिखा है ऑनर दाई फादर एंड मदर तो जो वर्ड है ना ऑनर ऑनर का मतलब है उस वर्ड का मतलब है प्लेस वैल्यू ऑन योर फादर एंड मदर और वो जो वर्ड है ऑनर ऑनर वर्ड से ऑनरेरियम निकलता है ऑनरेरियम का मतलब होता है दौलत पैसा अपने माँ बाप की पैसे से सेवा करनी है पैसे से भी समझ रहे हैं आप यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन योर पेरेंट्स तो वो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं कि तुझे हम लेटर लेके कर दिख के देते हैं कौरबान तू अपने माँ बाप को चिट्ठी दे देना चिट्ठी में क्या लिखा होता है कि जो आपके बेटे ने आपकी सेवा करनी थी जो पैसा उसने खर्च करना था वो पैसा उसने आके सिनेगॉग में दे दिया रब्बियों को वो पैसा परमेश्वर के काम में लगा दिया जाएगा अब आप इस घर को छोड़ दो तो फिर वो क्या करेंगे बूढ़े माँ बाप वो उस घर को छोड़ के हैक्कल में शरण लेंगे जाके ये होगा कि हैकल में रहेंगे आपको मालूम परमेश्वर की हैक्ल में अनाथ और विधवा और बूढ़े और परदेसी रहते थे इसलिए लिखा है मलाकी की किताब में कि सारे दशमांश मेरे भवन में लेकर आओ ताकि मेरे भवन में भोजन हो सारे दशमांश मेरे स्टोर हाउस में जो हैकल सुलेमान ने बनाई थी उस हैकल के पीछे सुलेमान ने बड़े बड़े गोडाउन बनाए थे गोदाम बनाए थे उन गोदामों में क्या रखा जाता था इसराइली लोग यहोवा परमेश्वर को साल में कम से कम तीन बार भेंट देने आते थे फसा के पर्व पे पंते कुछ के पर्व पे और झोपड़ियों के पर्व पे लेकिन साल में सात बार उनको यहोवा के आगे आना ठहराया गया था सात बार बहुत सारे लोग सात बार आते थे बहुत सारे लोग नौ बार आते थे यहोवा के आगे और अपनी भेंटें लेकर आते थे यहूदी लोग यहोवा को मटकों में शहद भर के चढ़ाते थे मटकों में जतून का तेल प्रभु यहोवा को चढ़ाया करते थे यहूदी लोग ड्राई फिग लेकर आते थे यहोवा को चढ़ाने के लिए यहूदी लोग तरह तरह के फल चढ़ाते थे यहोवा को यहूदी लोग बकरे छतरे जिंदा जिंदा मैं कुर्बानी की बात नहीं कर रहा जिंदा जानवर भी भेंट करते थे जो पहला कोह को खोलता था और हर तरह की चीज़ें जैसे मुर्गी के अंडे हुए जैसे अनाज हुआ हर तरह का सूखा अनाज हर तरह की सब्ज़ियाँ हर तरह के जानवर और सोना और चांदी चढ़ाते थे और हीरे मोती होवा को अर्पण करते थे कपड़ा चढ़ाते थे सिल्क चढ़ाते थे कॉटन चढ़ाते थे और हर प्रकार की चीज़ होवा के भवन में लाई जाती थी और बहुत बड़ी मात्रा में तो वो गोडाउन जो होते थे वेयर मोदी खाना जिसे लिखा है मेरे मोदी खाने में लगा वो मोदी खाने भरे रहते थे किस लिए प्रभु कहता ले आओ ताकि मेरे भजन भवन में भोजन हो वहाँ पे उन सब लोगों को खाना मिलता था खाने के लिए और वो खाना चालीस रुपए की प्लेट बिकती नहीं थी फ्री में ट्वेंटी फोर सेवन वहां पर विधवा अनाथ बूढ़े और परदेसी रहते थे आपको मालूम जब यीशु मसीह को हैकल में लेके गए आठवें दिन तो एक विधवा औरत आई आना नाम की विधवाएं रहती थी वहां पे। वो यीशु मसीह के लिए दुआ करती है फिर सिमियन नाम का एक बुजुर्ग आया बुजुर्ग रहते थे हैकल में बूढ़े रहते थे परदेसी रहते थे अनाथ रहते थे विधवा रहते थे तो वो सारा इतना बड़ी मात्रा में टाइद होता था इतनी बड़ी मात्रा में तो वो प्रभु के काम के लिए प्रभु कहता मेरे भवन में भोजन हो भोजन वो स्पिरिचुअल फूड की बात नहीं कर रहा प्रभु फिजिकल फूड की बात कर रहा है तो आपको मालूम कलीसिया कैसे बनी कलीसिया उसी हैकल का नक्शा है सेम नक्शा है जब प्रेरितों ने प्रेरितों के द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई तो पढ़ लीजिएगा कलाम में उसका पांच प्रेरितों के काम का पांच अध्याय पढ़िएगा छः अध्याय पढ़िएगा वहाँ पे लिखा है विधवाओं के कारण झगड़ा हुआ सबसे पहला कुछ विधवाएं थीं जो हिब्रू बोलती थीं लेकिन कुछ यहूदी जो देशों में अलग अलग तितर बितर हो गए थे उनकी विधवाएं भी चर्च में रहती थी चर्च में मतलब चर्च बिल्डिंग नहीं थी बनी कोई चर्च के अंदर जो भेटें आती थी कलीसिया में पैसा आता था लोग अपनी ज़मीनें बेचते थे और पोटलियाँ भर के सोना चांदी चेलों के पाँव पे रख देते थे क्योंकि वो जो लोग थे हैकल के संग जुड़े विधवा अनाथ बूढ़े लोग उन सबको खाना मिलता था वचन में लिखा है खाने की वजह से कि पहले हिब्रू बोलने वालियों को दिया जा रहा विधवाओं को या ग्रीक बोलने वालियों को उसकी वजह से झगड़ा होता था तो पतरस कहता है तुम अपने में से सात लोग चुन लो जो खाना बरताएँ खाने की सेवकाई देखें हम परमेश्वर के कलाम की ओर ध्यान देंगे तो वही पैटर्न है चर्च का उसी पैटर्न पे कलिसिया है समझ गया मेरी बात आज तो वो पैटर्न आपको नहीं दिखता क्योंकि अमेरिकनाइज कर दिया वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण सब चीजें बदल दी गई लेकिन यह परमेश्वर का दिल विधवाओं की ओर अनाथों की ओर गरीबों की ओर परदेशियों की ओर दुखियों की ओर है तो भाई और बहनों हमारे जीवन के हर स्पीयर का एक कवलेंट चाहिए खुदावंत के साथ हारू यह कावलेंट चाहिए तब आपके ऊपर ब्लेसिंग पोर आउट होंगी मेरा जीवन गवाही है मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ने आशीषों के चश्मे खोले हैं क्योंकि मैंने बाइबल में बारीकी से सारे परमेश्वर के रूहानी नियम और सिद्धांत सीखे और उनको अपने जीवन में लगाया मैंने एंड गॉड प्रॉस्पर्ड मी परमेश्वर मुझे दुनिया के सौ से ज़्यादा देशों में लेके गया सौ से ज़्यादा कंट्रीज में पूरे दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट पे जाके मैंने प्रचार किया है और परमेश्वर मुझे दुनिया के महंगे से महंगे होटल्स में ठहराया हर महंगी से महंगी चीज़ मुझे दी खुदावन ने उसका मैं धन्यवाद करता हूँ लेकिन मैं झुग्गियों में जाके आज भी सोता हूँ मैं साइकिल पे जाता हूँ प्रचार करने मोटर बाइक पे जाके सड़कों पे जाके पर्चे ट्रैक्ट आज भी बांटता हूँ मैं बाबा नहीं बन गया मुझे तीस साल हो गए दुनिया घूमते पच्चीस साल हो गए मैंने अपने अपने आप पर्सनैलिटी को इतना बड़ा नहीं किया कि मैं प्रभु के लिए मैं प्रभु के लिए कुछ भी करता हूँ हाल लुया झुग्गी झोंपड़ी में जा काम करते हैं हम लोग उनके बीच में रह भी लेते हैं सोते भी हैं झुग्गियों में सड़कों पे रैग पिकर्स के अंदर हर तरह के लोगों में जाते हैं अपना स्टेटस मत बना लीजिए याद रखिए घूरे के ढेर से उसने आपको उठाया है बहुत सारे लोग भूल जाते हैं आप भूल गए कहाँ से उसने आपको उठाया हेलो राजा दाऊद यहोवा के ऐद के संदूक के आगे नाचता है प्रॉब्लम पता क्या है उसने इ फोद पहना है और जो ई फोद होते हैं याजक पहनते थे वो एक ई होता था जो एंकल तक होता था एक ही पोशाक होती थी क्लोक की तरह लेकिन वो एंकल तक जाती थी लेकिन जो अंदर पहना जाता था इ वो थाइज तक आता थाइज़ के भी ऊपर मिनी स्कर्ट की तरह होता था राजा दाऊद वो पहन के डांस कर रहा था तो ऑब्वियसली औरत को बुरा लगेगा उसके पति के पार्ट और या ऐसी बॉडी दिखाई दे लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि उसके ऊपर खुदा का रूह मंडला आ रहा है हाल तो राजा दाऊद क्या कहता है कहता है तू सोचती है आई एम लुकिंग वाइल्ड आई एम लुकिंग स्टूपिड तो वो कहती है कि तू अपनी नौकरानियों के सामने जरूशलम की औरतों के आगे कितना मूर्ख लग रहा है ऐसे नाचते हुए तो राजा दाऊद कहता है मैं अपने परमेश्वर होवा के आगे इससे भी ज्यादा वाइल्ड होके नाचूंगा हाल ही लोहिया किंग डेविड वॉज नॉट कंसर्न इज वॉचिंग ही वॉज कंसर्नड बिकॉज ही वॉज डांसिंग बिफोर द लोड ही वॉज डूइंग इट टू प्लीज द लोड तो उसने अब राजा दाऊद को तुच्छ जाना आपको मालूम उस औरत के लिए एक किंग की रॉयल्टी एक किंग की डिग्निटी एक किंग का स्टैटस एक किंग की इमेज वो सोच रही है कि ज़्यादा बड़ी है यहोवा को खुश करने से राजा दाऊद कह रहा है मेरी डिग्निटी मेरी इमेज मेरी शान और शौकत मेरी रॉयल्टी कुछ भी नहीं है यहोवा के आगे और आपका मालूम क्या कहता है राजा दाऊद अपनी बीवी मिक्कल को मिक्कल को कहता है खुदावंद यहोवा ने मुझे घूरे के ढेर से उठाया और राजा बनाया है लोग भूल जाते हैं कि वो कहाँ थे क्या करते थे कहाँ से खुदावंद उनको निकाल के इंग्लैंड ले गया अमेरिका ले गया कैनेडा ले गया वो भूल गए सब अब बहुत सारे लोग हैं अब किसी के लिए कुछ भी नहीं करते मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ इंडिया में थे हमारी मिनिस्ट्री के संग जुड़े थे बहुत फाइनेंशियली सो करते थे अमेरिका में चले गए कुछ नहीं किया खुदावंद के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया सालों साल गुजर गए हैं दे नेवर डिड एनी थिंग जितना लोगों के पास पैसा आ जाता है ना भाइयों और बहनों कई बार भूख ना पैसे की और ग्रीड उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें अपने जीवन के हर पहलू में प्रभु के संग फुल रहना है कहीं ऐसा ना हो प्रभु कहे तुम मुझे ठगते हो ठगने का मतलब पता क्या ठग जो है वो आपके घर में बैठा है मीठी मीठी बातें बोल रहा है आपकी आँखों के आगे आपको ठग रहा है ठग रात को नहीं आएगा ठग आपको बांध के नहीं लूटेगा ठग बिल्कुल प्यार से आपके सामने आपको लूटेगा प्रभु कहता है ऐसे हैं यहूदी लोग जो मुझे ठगते हैं ऐसे हैं मसीह जो खुदा बंद को ठगते हैं बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं भयंकर कलाम की ये वो लेकिन फाइनेंशली खुदाबंद के लिए सो नहीं करते खुदाबंद ये नहीं कहता तुम चोर हो खुदावन ये भी नहीं कहता तुम डाकू हो खुदावन कहता है तुम ठग हो लेकिन कहता है क्या कोई खुदावन को ठग सकता है हैं? फिर खुदावन कहता है गलतियों की पत्तरी में कहता है धोखा मत खाओ आप खुदावन को धोखा दे नहीं सकते जब आपको लगता है ना आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो आप खुद धोखा खा रहे हो खुदावन कहते हैं धोखा मत खाओ क्योंकि कोई खुदावन को धोखा नहीं दे सकता जो कुछ मनुष्य बीजेगा वो ही काटेगा गलेशन सिक्स फोर फाइव पढ़ लीजिएगा डू नॉट बी डिसीव्ड द वर्ड ऑफ गॉड नेवर सेज डोंट डिसीव गॉड बिकॉज गॉड इज टू स्मार्ट टू बी डिसीव्ड ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी आउटविटेड बाय यू सो डोंट एवर थिंक यू कैन फूल गॉड यू आर फूलिंग योर सेल्फ सो द वर्ड ऑफ द लोड से नॉट बी डिसीव्ड रादर डो नाट बी फूल्ड फॉर व्हाट्सो एवर अ मैन सो एथ सोशली रिप ऑल्सो जो कुछ मनुष्य बोएगा वो काटेगा तो भाई और बहनों करुणा बोए दया बोए भलाई बोए राइचनेस बोए ट्रूथ बोएं जस्टिस बोएँ जो कुछ आपको खुदावन ने दिया बोए इलेविशली खुदावंद आपको फैमिन में सौ गुना देगा फैमिन में लॉकडाउन में कोरोना वायरस में खुदावंद ने हमें फलवंत किया है गरीब नहीं किया है ये जजमेंट है खुदावंद की उनके लिए जो डिसोबीडियट है उनके लिए नहीं जो उससे प्यार करते हैं उसकी आज्ञाओं में जीते हैं उनके लिए ब्लेसिंग है हालेलुया तो आइए हम प्रार्थना करें अंतिम प्रार्थना खुदावंद जी आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बातें अद्भुत हैं आपका कलाम ज़िंदा है आपका कलाम हमारी जिंदगियों से डिमांड करता है कि हमारी ज़िंदगी अलाइन करें लाइन अप करें आपके वर्ड ऑफ गॉड से तो एक एक को आपके कलाम के अनुसार जीने का फ़जल दीजिए एक एक को खुदावन जी मैं आपके जलाली खून में छिपा देता हूँ आपके जलाली खून में आपका जलाली लवू खुदावन मैं एक एक पे छिड़क देता हूँ आपका जलाली खून खुदावन आपकी आशीष को खोलता हूँ ये सारा दिन गॉड फील्ड डे होगा खुदावन गॉड फील्ड डे गॉड ओडेंड डे गॉड ऑनरिंग डे याहुआलोहीशद हमारा अब्बा खुदाबंद एक एक पल तेरी हजूरी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज किस दिन के लिए तुझे जलाल देते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में इस दुआ को मांगते हैं आमीन सबको जय मसीह की सी यू समाइम लेटर खुदावंद आपको बरकत दे जय मसीह की